नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों हम बात करेंगे तुला राशि के लिए शनि का गोचर 24 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक का समय कैसे है। दोस्तों शनि क्या है कि शनि कर्म का कारक है। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका कारक ग्रह शनि है। आपका काम किस लेवल का काम है, जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक का आपका कर्म जो है वो शनि बताएगा। शनि आपकी कुंडली में मित्र राशि में है कि शत्रु राशि में है, कि अधिमित्र में है, कि उच्च में है, वो देखना जो है कि शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है। शनि दोस्तों कौन से नक्षत्र में है आपकी कुंडली में, मित्र के नक्षत्र में है कि शत्रु के नक्षत्र में है, कि अधिशत्रु के नक्षत्र में है, कि अधिमित्र के नक्षत्र में है, और फिर शनि का उस नक्षत्र के साथ संबंध क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जिसकी भी तुला राशि है और उसका और तुला लग्न है, राशि और लग्न दोनों है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। यह दोनों में एक भी है तो भी अच्छा है, क्योंकि दोस्तों ये तुला राशि और तुला लग्न के लिए शनि जो है इस समय सस योग बना रहा है। सस योग मीन्स राजा के जैसा योग। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये आने वाला 2.5 साल में तुला राशि और तुला लग्न के लिए समय बहुत ही अच्छा है। यदि आपकी तुला राशि और तुला लग्न है, यदि आपका कर्म नहीं चालू हुआ है तो आपका कर्म बहुत अच्छा चालू हो जाएगा। यदि आप कर्म आपका चालू है, व्यापार में है, जॉब में है, कहीं भी हैं, तो आने वाले समय में आपकी बहुत ज़बरदस्त प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, और बहुत अच्छा घर जगह ज़मीन खरीदने का भी योग चालू है, क्योंकि आपके राशि और आपके लग्न से शनि चौथे घर में गोचर कर रहा है। शनि जहाँ बैठता है वो भाव को बढ़ा देता है। आपका कहीं से भी या आपने प्लानिंग किया था कि मुझे घर खरीदना है, तो तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए इस समय घर खरीदने का मौका बहुत ही बढ़िया है। यदि आप सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से खरीदेंगे, तो आने वाले समय में ऐसा इंतजाम बनेगा कि आपको घर जगह ज़मीन का जो आपका सपना था वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये सस योग जो है 30 साल के बाद आपके राशि के ऊपर, आपके लग्न के ऊपर बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों कि शनि की 3 दृष्टि है, और शनि एक राशि में जो है 30 डिग्री की एक राशि होती है, यहाँ पर 3 नक्षत्र है। तो दोस्तों अब देखेंगे कि शनि की जो 3री दृष्टि है वो 6ठे घर पे आ रही है। तो 6ठा घर क्या है, रोग ऋण और शत्रु का घर है। वहाँ पर राशि जो है मीन राशि है, जो कि गुरु की राशि है। शनि और गुरु जो है वो मित्र हैं दोस्तों, इसलिए शत्रु जो है कुछ हद तक जो है आपके प्रमोशन या आपके जॉब के इंक्रीमेंट में जो है उनको कुछ जलन हो सकती है, या कुछ हद तक आपको जो है थोड़ा बहुत हेल्थ की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर जो 3री दृष्टि पड़ रही है, गुरु की राशि है, और शनि और गुरु एक दूसरे के मित्र हैं। 7वीं दृष्टि दोस्तों आपके कर्म के ऊपर पड़ रही है, जो कि वहाँ पर कर्क राशि है, और शनि और चंद्र जो है एक दूसरे के शत्रु हैं। तो कर्म तो आपका चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा कहीं कुछ उतार चढ़ाव मिल सकता है, या आपके फादर की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 10वां घर जो है वो गवर्नमेंट का भी घर है। फादर को प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका बहुत प्रमोशन हो गया तो गवर्नमेंट में कोई आपका कंप्लेन करें तो वहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन आपका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। 10वीं दृष्टि दोस्तों लग्न के ऊपर पड़ रही है, तो आप इस समय बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है तुला राशि है, तुला लग्न है, शनि उच्च दृष्टि से लग्न को देख रहा है, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ जो है बहुत बढ़ेगी, कर्म करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी, हेल्थ वाइज भी बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपका जो है पब्लिक में जो है नेम फेम बहुत बढ़ेगा, क्योंकि शनि उच्च दृष्टि से देख रहा है। शनि आम पब्लिक का कारक ग्रह भी है, इसलिए आपको आम पब्लिक में जो है, जो अभी तक आप दबे हुए थे, आपका नेम फेम बहुत बढ़िया जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब शनि की दोस्तों जो है यहाँ पर 3 नक्षत्र भी हैं,
तो पहला नक्षत्र शनि जो है 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक शनि सूर्य के नक्षत्र में है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। उत्तराषाढ़ा का स्वामी सूर्य है और सूर्य तुला राशि है, तुला लग्न के लिए 11वें घर का स्वामी बनता है। 11वां घर लाभ का घर है, इसलिए इस 24 जनवरी से आने वाला ये 10 महीना आपके लिए लाभ के लिए समय बहुत ही बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, 10 महीने के बाद दोस्तों 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 कला तक दोस्तों चंद्रमा का जो है नक्षत्र है, चंद्रमा आपके कुंडली में दशमेश बनता है, जो कि 2021 का पीरियड आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा, क्योंकि वो दसवीं जो सातवीं दृष्टि भी पड़ रही है और शनि चंद्रमा के नक्षत्र में जाएगा, जो कि आपका दशमेश भी है। यदि आपका कर्म चालू नहीं हुआ है तो 2021 में बहुत ज़बरदस्त आपका कर्म चालू हो जाएगा। यदि आपका कर्म चालू है तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में या आपके काम में आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यदि आप व्यापार में हैं तो इतना ज़्यादा काम आएगा कि आप जो है काम करते हुए परेशान हो जाएंगे, क्योंकि दसवां जो घर जो है कर्म का भी घर है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों शनि 1 डिग्री बराबर 1 महीना चलता है, इसलिए 23 डिग्री 20 कला तक चंद्रमा का नक्षत्र है, उसके बाद मंगल का नक्षत्र आ जाएगा। और जब मंगल का नक्षत्र आएगा दोस्तों, तो मंगल जो है लास्ट का जो 6 से 7 महीने का पीरियड है वो मंगल का नक्षत्र रहेगा। और तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए मंगल जो है द्वितीयेश है और सप्तमेश है। द्वितीयेश होने से दोस्तों आपके लिए जो है फाइनेंशियल पोजीशन लास्ट में बहुत बढ़ेगी, आप पैसा जो है उस समय जमा करेंगे, क्योंकि दूसरा घर जो है फाइनेंशियल पोजीशन के है। और दूसरा घर जो है आपके परिवार में बढ़ोतरी होना, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी आपकी हो सकती है, या परिवार में आप बड़े हैं तो आपके घर में जो है संतान का योग बन सकता है, लेकिन इंक्रीमेंट इंक्रीज घर में जो है कुछ न कुछ होगा। और दोस्तों जो दूसरी जो राशि है मंगल की, वो आपके 7वें घर में है, जैसा मैंने बताया कि तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए, यदि आप शादी के एज के लिए हैं, लड़के हैं या लड़की हैं, तो आपकी शादी जो है बन सकती है, क्योंकि आपका 7वां घर ऑपरेट है और दूसरा घर ऑपरेट है। ठीक है दोस्तों, 7वें घर से दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, पार्टनर देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं, तो बिजनेस में भी जो है प्रोग्रेस का योग बन रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए मकर का शनि बहुत ही शुभ है, और ये जो सस योग बना रहा है आपको 85-90% का रिजल्ट, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपको कोई समस्या का समाधान चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9870312696। जय श्री राम।